हम एक आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, तो उसके लिए ये हमने टमाटर और हरी मिर्च काट के रख ली है, और ये मसाले हैं हल्दी, गरम मसाला, और ये बिरयानी मसाला है। ये इमली और आलू बुखारा हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये देखें। प्याज काट के हमने पहले ही रख लिए थे, अब वो देखते में डाल दिए हैं। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तब तक साथ साथ हम ये गोश्त भी साफ कर रहे हैं। ये चावल तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, ये देखिए। जब तक हमारा मसाला रेडी होगा ये चावल भी रेडी हो जाएंगे, ये देखिए। ये तकरीबन आधा घंटा पहले ना हमने भिगो कर रख दिए थे। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन होने वाले हैं, ये देखिए। जब ये ब्राउन हो जाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसका रंग निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें नमक मिर्च मसाला वगैरह ऐड करके अच्छे तरीके से भून के उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए चिकन की सफाई भी साफ साफ हो रही है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहें ताकि ना ये काले ना हो जाए। गरम मसाला ऐड करके थोड़े पानी करके ना कलर कर लो। अब ये देखें ब्राउन होने वाले, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला हमने ऐड कर दिया, अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब रंग निकालने के लिए तो ढक्कन देख रखते हैं 5-10 मिनट के बाद जो है रंग। तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन निकाल दिया, ये देखिए प्याज का कलर निकल आया, ये देखिए। अब हम इसमें नमक, ये देखें लाल मिर्च, 2 चम्मच हमने नमक ऐड किया, 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड किए। इसके बाद चखने अगर कम हो तो और ऐड करें। गरम मसाला हमने पहले ही ऐड कर दिया है। कैसे इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें टमाटर और प्याज जो हमने जो हरी मिर्च और प्याज काट कर रखी है उसमें ऐड कर दें। ये देखिए टमाटर और हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिए, ये देखिए इस तरह अच्छे तरीके से इसको साफ करना है, नहीं तो इसका जायका अच्छा नहीं होगा। Thank you.
हल्के से हमने इसकी सफाई कर ली है, ये देखे छिछड़े वगैरह सारे उतार लिए, ये देखे। अब हम इसको ऐड कर देंगे जो मसाला हमने बनाया हुआ इसमें। ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो गया। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए चिकन हमने ऐड कर दिया था, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए नमक में चेक कर लें, अगर कम है ना तो इसमें ऐड कर दें, जब तक चिकन की बुनाई होगी ना तो वो भी साथ मिक्स हो जाएगा। बुनाई तकरीबन होने वाली है, अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे ताकि वो भी ना इसके साथ ही मिक्स हो जाए। देखो बिरयानी मसाला भी हमने ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इमली और आलू बुखारा भी ऐड कर दिया। अब जितने चावल थे ना उसके हिसाब से पानी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे कर रख देंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे कर रख देंगे। पानी में बॉयल आ गया, ये देखिए अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। चावल ऐड करने के बाद ना हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि ना वो चावल टूट ना जाए। चावल ऐड कर लिए हम। नमक मिर्च चेक कर लें, अगर कम हो तो नमक वगैरह ऐड कर लें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे कर रख दें। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन उतार लेंगे। हमारे चावल तकरीबन दम के करीब है, अब जैसे ही पानी खुश्क होगा ना हम दम दे देंगे। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए
अब हमने आग नीचे से निकाल दी है, अब चावल हम दम पे रखेंगे। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, ये हमने पौना गीला कर लिया, गीले पौने कम दम दे। अब तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, उसके बाद ना चूल्हे से उतार लेंगे और हमारी चिकन बिरयानी मज़ेदार तैयार हो जाएगी। ये देखें, अब हमने दम पे दे दिया, 10-15 मिनट के बाद हम इसको दम से उतार लेंगे और हमारा मज़े का चिकन पुलाव तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर हमने तवा रख दिया, अब तकरीबन दम आ गया, अब हम ये ढक्कन उतार देंगे। माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं, खुशबू कितनी मज़े की है, बिल्कुल देगी लग रहे हैं। ना?